नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड यू आर वाचिंग हेल्पलाइन प्लस। अपकमिंग टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हेल्पलाइन प्लस। दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम GoDaddy.com। डोमेन नेम बनाकर आप कैसे पैसा अर्न कर सकते हैं, तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आप गूगल में टाइप करेंगे बाय चीपेस्ट डोमेन। एंड सबसे पहला जो ये लिंक दिख रहा है आपको, इसका लिंक रहता है गूगल का, तो इसमें आपको क्लिक करना है। ये देखिए ये आ गया, और इसमें आप नाम सर्च करेंगे कि किस नाम के लिए आपको करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले सर्च करता हूँ हेल्पलाइन, हेल्पलाइन प्लस। ओके, लाइव है सारा कुछ, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा जाए, नेट थोड़ा स्लो है, इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ये देखिए helplineplus.com ₹99। ठीक है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ पर 99 है, .com 99, फिर helpline.com ये भी 99, और helplineplusprodotcom ये भी 99। ओके, तो आप कौन सा लेना चाहेंगे, ये आपको ऑप्शन दे रहा है helplineplus.com। ठीक है, helplinemore.com, तो हमें लेना है helplineplus.com। ओके, तो मैं इसे ऐड टू कार्ट करता हूँ, सेलेक्ट कर लिया इसे एंड कंटिन्यू टू कार्ट। ओके, ये देखिए यहाँ पर आ गया आपका हेल्पलाइन प्लस जो है, ये 1442 से लिए 2 साल के ले लिया। ओके, मैं आपको 1 साल करना है, देखिए 1 साल कर देंगे, ये बाई डिफॉल्ट ले लेता है खुद ही। सॉरी, ये तो helplineplus.in है, इसे तो मुझे को लेना नहीं है, इसलिए मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर आप रिमूव कर देंगे ये हट जाएगा, मेरे को चाहिए helplineplus.com, ये 1 साल का है, 99 रुपये। ये देखिए ये आपका आ गया डोमेन नेम, जिसका 99 रुपीज लग रहा प्लस 99, ये जो सारा एस्टिमेटेड टैक्स एंड फीस जोड़ का टोटल आपका 241 रुपये लग रहा है। ठीक है, प्लस मैं इसे में होस्टिंग भी कर लेता हूँ, क्योंकि होस्टिंग रहेगा तो ज़्यादा बेनिफिट है आपका। ये जो जो भी वेबसाइट आप बनाएंगे, जो डोमेन नेम, वो आपको ऐड देगा, दुनिया के सारे लोगों को वो विजिबल होगा, सारे कोई देख पाएंगे। तो चलिए मैं होस्टिंग को परचेज कर लेते हैं। होस्टिंग में सबसे अच्छा होता है लिनक्स, जो है सबसे बेस्ट है, इसमें सारे ऑफर्स को आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये जो आपका ऑफर दिख रहा है, इसमें सबसे बेस्ट रहेगा आपको ये जो बैंड वाइड है, ये अनलिमिटेड होना चाहिए। ठीक है, 30 GB स्टोरेज है, 1 वेबसाइट है, चेक बैकअप रिस्टोर पेड ऑप्शन, चलिए ये ठीक है। तो आप, मैं इसे 99 को ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। अब इसमें आस्क क्वेश्चन आ रहा है कि ये आप कितने दिन के लिए, चलिए कम से कम हम 1 महीने के लिए करते हैं, तो हम करते हैं 1 महीने के लिए, तो 1 मंथ में आप क्लिक कर दीजिए। और बाकी ये सब कुछ भी ऐड मत कीजिएगा, ये सब फालतू चीज़ें, फालतू का ऐड जोड़ देगा, फिर आपको रिस्क लगेगा। तो फिर ये है तो सारा बेनिफिट, लेकिन अभी फिलहाल के लिए नहीं। तो हम चलते हैं कंटिन्यू पर। ये देखिए ये आपका आ गया हेल्पलाइन प्लस का 99 रुपीज़, और ये डरिएगा मत अमाउंट देख कर। ठीक है, ये आपका ले लिया है 50% ऑफ, बाई डिफॉल्ट ये खुद ही ले लेता है, इसलिए इसको आप ये रिमूव कर दीजिए यहाँ से, तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये रहा, ये 36 मंथ का ले रहा है, ये भी लिनक्स होस्टिंग, स्टार्ट लिनक्स होस्टिंग विथ शिपिंग प्लान, मैं इसे भी शिपिंग प्लान इससे मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए टोटल हो जा रहा है आपका helplineplus.com जो ये 1 साल के लिए आपका 99 रुपया, एंड आपका ये जो स्टार्टिंग लिनक्स होस्टिंग विद शिपिंग प्लान जो है ये आपका 179, टोटल आपका हो जा रहा है 447 रुपये में आपका 1 साल का जो है helplineplus.com आ जा रहा है, प्लस आपका होस्टिंग हो जा रहा है 1 महीने का। ठीक है, तो इस दोनों को अब हम क्या करते हैं, प्रोसीड टू चेकआउट। ओके, अब दोनों को
346 मतलब ये क्या है, एक सेकेंड। नहीं तो चलते हैं हम डायरेक्ट अभी से करते हैं प्रोसीड टू चेकआउट। ये देखिए अभी हमें साइन इन करने बोला है गॉडडेडी में। अगर आपका अकाउंट है तो ठीक है, तो आप साइन इन कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू डायरेक्ट ओपन हो सकते हैं। तो क्रिएट एन अकाउंट अगर आपको करना है तो क्रिएट एन अकाउंट कर लीजिए आप। नेट थोड़ा स्लो है इसलिए थोड़ा वीडियो ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ा लंबा हो जा रहा है, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, बट वीडियो पूरा देखिएगा। ओके चलिए यहाँ पर आ गया आपका। ये करना है मेरे को, हेल्प ईमेल एड्रेस डालना है एक्चुअली, हेल्प लाइन लाइन प्लस 5 कॉम। ओके यूज़र नेम भी यही रहेगा, पासवर्ड आपको क्या डालना है आप ये देख लीजिए। इसमें क्या करना है, BL लेटेस्ट 9 कैरेक्टर्स रहेगा इंक्लूडिंग अपर कैरेक्टर्स, मतलब अपर कैरेक्टर्स भी रहेगा लोअर कैरेक्टर्स भी रहेगा, इंक्लूडेड नंबर भी रहेगा एंड नॉट स्टार्टेड विद द स्पेस, स्पेस से स्टार्ट नहीं करना है। ओके तो आप इसमें पासवर्ड आप डालिए, बस यही रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट आपसे है कि जो भी पासवर्ड डालिएगा याद रखिएगा क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड है इसका। तो चलिए पासवर्ड डालते हैं पासवर्ड HELP ठीक है। तो पासवर्ड आपको ध्यान से डालना है ताकि आप पासवर्ड याद रख सके, क्योंकि इसमें सारे तरह के पासवर्ड डालने होते हैं, अपर लोअर एंड डिजिट भी डालना है ठीक है। देन अब ये एक सपोर्टेड पिन है जिसको आपको याद रखना है, 4 डिजिट का कोई पिन क्रिएट कर लो आप जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि कस्टमर केयर में कभी इनके से भी कॉल करना पड़ा तो आपको ये पिन बताना होगा। कोई भी आप जनरेट कर लो, जैसे अपना सपोज बर्थडेट या कुछ भी, तो मैं रख लेता हूँ। ओके 1900 नहीं 1991 ओके एंड क्रिएट अकाउंट। अब देखिए ये आ गया आपका डायरेक्ट कार्ड पर, एंड ये आप पूछ रहा है पेमेंट फर्स्ट नेम क्या है आपका, ये डिटेल जो है सारा का सारा आप इसको प्राइवेट भी कर सकते हैं। तो इसमें आप नाम लिखिए अपना, मेरा नाम हो गया अमित कुमार, हेल्पलाइन प्लस इंडिया एड्रेस, तो इसी को डालिए, मतलब पोस्टल पोस्टल तो 829119 ये हमारा जिप कोड हो गया, सिटी हो गया पत्रा, तो स्टेट हो गया झारखंड, झारखंड मोबाइल नंबर हो गया, ये हो गया मोबाइल नंबर ठीक है। एंड अब आपका जो है ये वर्चुअल कार्ड आपको, क्योंकि इसमें जब भी आप पेमेंट कीजिएगा क्रेडिट कार्ड या वर्चुअल कार्ड से ही कीजिएगा तभी आपको ये ऑफर मिलेगा, अदरवाइज फिर आपको काफ़ी ज़्यादा ये जो 300 समथिंग लग रहा है ये आपको 800 समथिंग लगेगा, 900 1000 के राउंड फिगर में। तो आप वर्चुअल कार्ड में आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया, मैं उसमें आपको दिखाऊंगा अगले दिन अगले नेक्स्ट वीडियो में कि वर्चुअल कार्ड कैसे बनाना होता है ठीक है। तो इसमें वर्चुअल कार्ड नंबर सारा कुछ रहेगा, वो एक वन टाइम यूज़ कर सकते हैं आप उसको। एंड सिक्योरिटी कोड उसमें रहेगा, नेम ऑफ द कार्ड, उसका एक्सपायरी डेट एंड कंटिन्यू करना है, उसके बाद आप कार्ड अपना क्रिएट कर सकेंगे एंड आपका डोमेन नेम क्रिएट हो जाएगा ठीक है। तो ये प्लेस ऑर्डर करना है, उसके बाद थैंक यू होगा, मतलब ये प्रोसीजर कुछ ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला है, तो बस इतना ही है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका पेमेंट भी करके बता दूंगा, बिकॉज मैंने अभी वर्चुअल जो है कार्ड बनाया नहीं है, वर्चुअल डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, बिकॉज आपको क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करना है, या क्रेडिट कार्ड या वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, इससे आपको ये ऑफर जो 389 मिल रहा है ये आपको 389 मिलेगा, अदरवाइज ये फिर 100,000 रुपीज़ के लगभग में लगेगा ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये जो वर्चुअल कार्ड बनाने के जो वीडियो है ये नेक्स्ट वीडियो आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा कैसे वर्चुअल कार्ड बनाना होता है और कैसे इसका पेमेंट करना है वन टाइम ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपका क्या ओपिनियन है बताइए मुझे कमेंट में सर, और फिलहाल इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट में करना ना भूलें। अगर अब तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियोज लाता रहता हूँ। फिलहाल थैंक यू एंड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।